हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी का वेलकम है मेरे गार्डन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं कुछ फ्लावर प्लांट्स पे, और कुछ नए नए प्लांट है जो मैं आपको दिखाऊंगी कौन से ऐड किए हैं। और ये है दोस्तों हमारी क्लॉक वाइन है, और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं। आगे जब ये हमारे ग्रोथ करेगी तब हम वीडियो शेयर करेंगे। और दोस्तों ये है चंदन का प्लांट, ये रेड चंदन का प्लांट है, लेकिन अभी बहुत छोटा सा प्लांट मैंने ख़रीदा हुआ है। आगे इसको हम बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो इसको ग्रो करेंगे हम अपने ही टेरेस गार्डन में। और दोस्तों ये चंदन का जो पेड़ है, ये है मेडिसिनली भी काम आता है, और ऐसे हमें वैसे भी ये जो प्लांट है ये बहुत ही कॉस्टली प्लांट होता है। और दोस्तों इसके साथ है हमारी जो मैंने वाइन लगाई थी कुछ दिन पहले, तो वाइन जब हम लेके आए थे तब तो थोड़ा मुरझा आ गई थी, लेकिन अब है वर्क कर रही है अच्छे से। और दोस्तों उसी के साथ ये एक और हमने प्लांट मंगवाया था, और ये ऊपर का उसका जो टॉप होता है वो था, और रास्ते में जब ये प्लांट आया तो डैमेज हो गया। लेकिन आपको गार्डनिंग करनी अच्छे से आती है तो आप उसके टूटे हुए टॉप को भी ग्रो कर सकते हो। देखिए मैंने ग्रो किया और मेरा वो लग गया। और दोस्तों इधर है हमारे अपराजिता की फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हैं। और ये है हमारा गोल्डन फाइकस प्लांट जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसके साथ ही ये है हमारा लौंग का प्लांट, ये हाइब्रिड लौंग का प्लांट है। दोस्तों मेरा जो गार्डन का मकसद है वो है कि मेरे घर में मुझे, मेरे टेरेस पे मुझे करनी है मेडिसिनल प्लांट की गार्डनिंग, हर्बल प्लांट की गार्डनिंग, और आउटडोर और इंडोर प्लांट्स की गार्डनिंग। हम ऑल टाइप गार्डनिंग करेंगे, और गार्डनिंग दिल से करिए तो आपकी गार्डनिंग ज़रूर सक्सेस होती है। और साथ में जो हमारे खिल रहे हैं मैक्सिकन पेटोनिया के फ्लावर्स हैं जो बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। और दोस्तों अभी देखिए, आप ज़्यादा देखे होंगे कि मैंने एक ही पॉट में दो दो तीन तीन प्लांट ग्रो किए हैं। ये मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि जब हम कई बार एक प्लांट लगा देते हैं ना वो सूख जाता है, लेकिन जब हम प्लांट के साथ कई प्लांट ऐड कर देते हैं ना तो उनको मॉइस्चराइज़र मिलता रहता है, एक दूसरे से उनको इम्यूनिटी मिलती रहती है, और प्लांट हैं जो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और दोस्तों ये है हमारा जेड प्लांट, और जेड प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। आप देखिए मेरे पास ये बहुत पुराना जेड प्लांट है, और इसे मैंने कई और अपने प्लांट तैयार किए हुए हैं। और जैसे किसी को गिफ्ट देना हो, जैसे किसी नेबर को भी चाहिए तो हम उसे भी दे देते हैं इसी में से, कि चलिए आप भी अपनी गार्डन में इसे ऐड कर लीजिए। और दोस्तों इसके साथ ही ये हमारा एक सैपलिंग चेरी का प्लांट है, हाइब्रिड चेरी है, विदेशी फ्रूट है ये भी, इसको सैपलिंग चेरी बोलते हैं। और ये भी प्लांट हमने मंगाया है, लेकिन पहले तो बहुत मुरझा गया था, लेकिन अब इसके ग्रोथ है जो अच्छी हो रही है। मैं करीब से आपको कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए पत्तों में, इसके पत्तों में देखिए थोड़ी सी ताजगी आ गई वापस, और ये हमारा प्लांट अब लग जाएगा। अब इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है कि ये ग्रो करेगा नहीं ग्रो करेगा, मुझे पता है कि ये अच्छे से ग्रो कर देगा। और दोस्तों ये था मेरा आज का कुछ प्लांट पे वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे से अपनी गार्डनिंग करना। और दोस्तों ये जेड प्लांट के बाद हम दिखाएंगे आपको ये रोज़ प्लांट, इसमें खिल रहा है बहुत ही अच्छा फ्लावर, और फ्लावर्स की पैटर्न आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है फ्लावर का। और इसमें पहले भी बहुत ज़्यादा दो महीने से फूल आ रहे हैं, बार बार इसमें फूल आ रहे हैं, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं इसे वो कभी भी हमारे प्लांट को खाली नहीं रहने देता, फूल आते ही आते हैं। और उधर भी दोस्तों हमारे ज़्यादा रोज़ प्लांट हैं, और रोज़ प्लांट के साथ ही हमारी जैस्मिन जो है फ्लावर्स की बेल है वो है, और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी हाइट में चली गई,
और दोस्तों इधर भी हमारे कुछ फ्रूट्स प्लांट थे जो मैंने कई बार आपके साथ वीडियो में शेयर किया। और दोस्तों ये है हमारा मैरीगोल्ड के प्लांट, और मैरीगोल्ड के प्लांट चिड़ियों को बहुत पसंद होते हैं और पक्षी इसे बहुत खाते हैं। इनमें अंदर एक पूड होता है जो फ्लावर के बिल्कुल ही सेंटर में बना होता है, तो वो चिड़ियाँ क्या करती हैं इसको डंडी से नीचे से तोड़ देती हैं और बहुत ही तरीके से वो अपना फूड इसमें खा के और फ्लावर्स को तोड़ के चली जाती है। बट कोई बात नहीं, उनको भी खाना है, हम उनके लिए ये ज़्यादा प्लांट लगाते हैं कि जो पक्षी हैं वो खुश रह सके गार्डन में। अब देखिए कितना फ्लावर्स है जो तोड़ा हुआ है चिड़ियों ने, ऐसे ही जैसे बुलबुल आती है गार्डन में, चिड़िया आती है, जैसे हमारे और भी कई बार कबूतर आ जाते हैं गार्डन में, तो ऐसे प्लांट के जो फूल हैं वो तोड़कर खा जाते हैं। और साथ में हमारा दोस्तों ये हमारा इटालियन बेजल लगा हुआ है, और उसी के साथ फिर हमारे आगे कड़ी पत्ते का प्लांट है, ये हार श्रृंगार का है। और इधर मैं आपको एक बार फिर से जो है मैरीगोल्ड के प्लांट दिखा देती हूँ। ग्रोथ बहुत अच्छी है फ्रेंड्स इसमें, आप देख सकते हो बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये मैंने पिछले साल ग्रो किया था प्लांट, और ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट है। देखिए सिंगोनियम के प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है मेरे पास, और मैंने इसे कई प्लांट वैसे भी तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे कोई भाई बहन मांग लेता है तो हम दे देते हैं, ऐसे ही बना के रख देते हैं, किसी को चाहिए तो हम ऐसे उनको दे देते हैं, कोई बात नहीं। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास हेल्दी पौधा है तो आप उसमें कितने भी पौधे तैयार कर लोगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। और दोस्तों ऐसे ही अपनी गार्डन को बिल्कुल पॉजिटिव गार्डन बनाइए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, यही हमारा मकसद है गार्डन का। और दोस्तों पत्ते आप देख सकते हो कितने हेल्दी पत्ते हैं सिंगोनियम के प्लांट के, और मैंने इसे एक छोटे से बकेट में लगा रखा है। और अभी इसका जो फ़िलहाल बकेट है वो भी नीचे से टूट गया, कई बार मैं पानी दे देती हूँ तो वो निकल जाता है। अभी हम इस दिवाली पे सभी पॉट्स को, जो भी हमारे जितने भी गार्डन में पॉट टूटे हुए हैं, उन सभी पॉट को नए पॉट में शिफ्ट कर देंगे। और दोस्तों ये है हमारा मनी प्लांट जिसकी ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी, और आप भी ऐसी अच्छी अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हो अपने मनी प्लांट की तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो हमारे फ्रेंड्स के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो दोस्तों मनी प्लांट अभी जैसे सर्दी आ रही है तो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन फिर जाके ये अपने जैसे इनके ग्रोथ पीरियड होते हैं तो वहीं जाके ये पौधा फिर से इतना हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।